हेलो गाइस। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एंगल्स और उसके मेजरमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होता है कि इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में द रेशियो ऑफ, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में द रेशियो ऑफ डिफरेंट साइड्स, द रेशियो ऑफ डिफरेंट साइड्स। तो किसी भी राइट एंगल, सपोज दैट हम लोग का ये क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल हम लोग मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम क्या मान लिए, ये एंगल मेरा क्या है, राइट एंगल। इस ट्रायंगल को हम लोग ए बी सी मान लेते हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो डिफरेंट साइड्स होंगे, ए बी होंगे, बी सी होंगे या ए सी होंगे, तो इनके जो डिफरेंट साइड्स हैं इन्हीं का रेशियो। तो यहाँ ये रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी सी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, या ए बी बाय ए सी हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या हो सकते हैं कि हम लोग का बी सी बाय ए सी हो सकता है, बी सी बाय ए सी हो सकता है, या हम लोग का ए सी बाय बी सी ले सकते हैं, या हम लोग क्या ले सकते हैं, ए सी बाय ए बी ले सकते हैं, या फिर हम लोग बी सी बाय ए बी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या होंगे, ये सारे रेशियोज हैं। क्या है, रेशियोज हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स के। तो यही होता है कि इन एनी राइट एंगल, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हम लोग का ए बी सी क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। द रेशियो, रेशियो ऑफ डिफरेंट साइड्स, जो अलग अलग साइड्स होते हैं उन्हीं का रेशियो क्या कहलाता है, इज नॉन एज, हम लोग इसको शॉर्ट में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को टी आर भी बोलते हैं। क्या, नॉन एज, टी आर, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। और ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है, ये होता क्या है कि इट इज डायरेक्टली रिलेटेड, ये क्या होता है, डायरेक्टली रिलेटेड टू एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो ये क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो दैट मीन्स सपोज दैट इसमें हम लोग ये एंगल थीटा मान लेते हैं और इस एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। तो किसी भी एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये एंगल हम लोग का ऑलरेडी 90 डिग्री है, दैट मीन्स अल्फा प्लस थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस जो थीटा निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दैट मीन्स जो ये एंगल अल्फा या थीटा है या ये 90 डिग्री है, ये जो डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इस एंगल से रिलेटेड होते हैं। तो वो कैसे रिलेटेड होते हैं, तो इसके लिए जो हम लोग का ये रेशियो आया, कितने रेशियोज आए, छह जो रेशियो आए। क्या है, तीन साइड्स हैं तो उसके क्या होंगे, छह रेशियो हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन डिफरेंट रेशियोज को ही हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे हम लोग सबसे पहला देखें कि ये रेशियो क्या होता है डिफरेंट साइड्स का, तो सबसे जो पहला हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है हम लोग का साइन। क्या होता है, साइन। तो जैसे हम लोग इस, जैसे हमको साइन लिखना है, ठीक है, तो इससे आगे हमको एंगल दिखाना पड़ेगा किस एंगल के लिए ले रहे हैं, तो हम लोग क्या ले लेंगे, साइन थीटा, अगर हम लोग थीटा के लिए देख रहे हैं। तो जैसे हम लोग इस ट्रायंगल को अलग से फिर से बना देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये एंगल हम लोग का क्या हो जाएगा, अल्फा, और ये हम लोग का क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया, और ये हम लोग का क्या है, राइट एंगल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो साइन थीटा लेंगे तो ये क्या होता है कि अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड हम लोग थीटा के अपोजिट देखें तो क्या है, ए बी है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपोजिट साइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये थीटा के लिए क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड हो जाएंगे, और ये जो हम लोग का होता है ये होता है एडजेसेंट साइड, ये क्या होता है हम लोग का, एडजेसेंट साइड। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लार्जेस्ट साइड होता है इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइपो, इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, एच से। अपोजिट साइड जो होता है परपेंडिकुलर के तरह काम करता है, तो इसको हम लोग पी बोल देते हैं। और एडजेसेंट साइड जो बेस के तरह काम करता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बी बोल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो हम लोग का साइन थीटा होता है, ये क्या होता है कि अपोजिट साइड, अपोजिट साइड बाई ये हाइपोटेनस का रेशियो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपोजिट साइड और हाइपोटेनस का रेशियो होता है। दैट मींस क्या बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर और पी और एच का रेशियो, क्या है, पी और एच का रेशियो। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग का यहाँ पे पी क्या है, ए बी है, पी क्या हो गया, ए बी हो गया। और यहाँ हम लोग का देखते हैं एच क्या है, हम लोग का ए सी हो गया, एच क्या हो गया, ए सी हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम आगे देखेंगे कि ये तो हम लोगों ने किस एंगल के रिस्पेक्ट में देखा कि एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे एंगल साइन लिखे, ठीक है, अब हमको किसके रिस्पेक्ट में देखना, अल्फा के रिस्पेक्ट में, कि अल्फा के लिए क्या होगा। तो ठीक है, अगर अल्फा के लिए अपोजिट साइड देखें तो क्या हो जाएगा, बी सी। ये ऑलवेज क्या होता है, अपोजिट साइड, ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। ये क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो यहां से अगर हम लोग ध्यान से देखें तो अपोजिट साइड इसके लिए क्या हो जाएगा, हम लोग का बी सी हो जाएगा। तो अल्फा का अपोजिट साइड हम लोग का क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। और इसका जो जो हाइपोटेनस है वो क्या रह जाएगा, ए सी ही रह जाएगा, क्या रह जाएगा, ए सी रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां हम लोग इस चीज को ध्यान से देखें कि अपोजिट साइड किसी भी ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल में पूछा जाए तो हम लोग देखेंगे किस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में, अल्फा के रिस्पेक्ट में देखना है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड, ये क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट साइड हो जाएगा। और लार्जेस्ट जो साइड होता है वो ऑलवेज क्या रहता है, हाइपोटेनस रहता है। ठीक है फ्रेंड, जो लार्जेस्ट साइड रहता है वो क्या रहता है, ऑलवेज हाइपोटेनस रहता है। तो ठीक है फ्रेंड, हम लोग देख लिए कि अपोजिट साइड, हाइपोटेनस या एडजेसेंट साइड क्या होता है। किसी भी ट्रेंगल में हम लोग लें तो जो जिस एंगल को ले रहे हैं उसके सामने वाला साइड जो हम लोग का अपोजिट साइड कहलाता है, और उससे जो लगा हुआ साइड होता है, मतलब उससे जो सटा हुआ साइड होता है, उसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं। सिमिलरली जैसे थीटा के लिए हम लोग यहाँ देख रहे थे, किसके लिए देख रहे थे, थीटा के लिए, तो ये हम लोग का क्या हो गया था, एडजेसेंट साइड। और जो थीटा के सामने जो साइड है, ये हम लोग का क्या हो गया, अपोजिट साइड, ये क्या हो गया, अपोजिट साइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्रेंगल में हम लोग अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जो एडजेसेंट साइड होता है इसको हम लोग बेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। सिमिलरली अल्फा के लिए देखें तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना हम लोग को समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर या अपोजिट साइड क्या होता है। अब जैसे कि कोई भी ट्रेंगल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग ये एक ट्रेंगल ले लिए, क्या ले लिए, ये ट्रेंगल, ये एंगल सपोज दैट हमको थीटा दे दिया, ये हम लोग का क्या दे दिया, 90 डिग्री है। और इस ट्रेंगल को मान लेते हैं ये क्या, ए बी सी। अब सपोज दैट ये हम लोग का 5 है, ये 4 है, ये क्या है, 3 है लेंथ। तो यहां से अगर हम लोग को साइन थीटा निकालने पूछा जाए तो इसके एडजेसेंट साइड हम लोग, अपोजिट साइड कौन सा है, 4 है। दैट मीन्स 4 इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, हाइपोटेनस। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस या अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनस। तो थीटा का अपोजिट 4 हो गया और हाइपोटेनस इसके लिए क्या हो जाएगा, 5। तो साइन थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, 4/5। लेकिन अगर हम लोग सपोज दैट इस अल्फा के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से हम लोग का साइन अल्फा क्या हो जाएगा, इसके लिए अपोजिट साइड मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा का अपोजिट साइड कौन सा है, 3 है। अल्फा का अपोजिट साइड कौन सा है, 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, और हाइपोटेनस ऑलवेज किसी भी के लिए सेम रहता है, मतलब लार्जेस्ट जो साइड होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस, या 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो 90 डिग्री के अपोजिट कौन सा है, 5 है। दैट मींस ये क्या हो जाएगा, 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंफ्यूज नहीं करना है, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये कौन सा अपोजिट साइड होगा या कौन सा एडजेसेंट साइड होगा। तो हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखें किस एंगल के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो उस एंगल का सामने वाला साइड जो है हम लोग का क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस। हम लोग थीटा के लिए ए बी हम लोग का परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस हो जाएगा, और अल्फा के लिए
बीसी परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस, और उस थीटा से जो उस एंगल से जो लगा हुआ साइड होता है उसको हम लोग एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे रेस्ट ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। थैंक यू, अगर आपको पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।